मैं हूँ राकेश परमार और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पॉइंट्स टू रिमेम्बर। नंबर वन, साइंस। साइंस इज द सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ह्यूमन बींग टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज नेचर फॉर मीनिंगफुल पर्पस। दिस अंडरस्टैंडिंग इज स्लोली डेवलप बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस एक्चुअली है क्या? तो साइंस है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर शॉर्ट में हम समझे तो साइंस क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसी में हमारी एक और ब्रांच है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को देखते हैं क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? हमारी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है देखते हैं। आर द केमिकल विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू क्रॉप एंड इंक्रीज देयर यील्ड, फॉर एग्जांपल यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटास, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और उसमें कुछ एग्जांपल है जैसे कि यूरिया हो गया, पोटास हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया वगैरह वगैरह। अब देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट जो कि हमारा पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर कुछ एक जैसे ही होते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल यूज टू किल पेस्ट्स विच अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एड्रीन्स, मेलाथिन, पैराथियन एक्सेट्रा। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसमें उनको जो हार्म पहुँचाते जो इंसेक्ट होते हैं या फिर जो वीड्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड क्या है देख लेते हैं। इंटेक्सिसाइड आर द केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल DDT एंड BHC। अब इंसेक्टिसाइड क्या होता है? वो केमिकल जो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। हमारी क्रॉप में जो इंसेक्ट हो जाते हैं उनको मारने में कौन मदद करता है? तो इंसेक्टिसाइड। अब देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट जो कि फंजीसाइड। फंजीसाइड आर सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फंजाई, एग्जाम्पल ब्यूरोडक्स मिक्सर एंड सल्फर एक्ट जैसा फंजीसाइड। अब फंजीसाइड क्या होते हैं? तो वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फंजाई से, वो होते हैं फंजीसाइड। अब देखते हैं सेवन्थ पॉइंट जो कि हारमोन्स। हारमोन्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल सेक्रेटेड इन अवर बॉडी टू कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज। तो हारमोन्स क्या होते हैं? हारमोन्स हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं जो हमें अलग अलग एक्टिविटी जो करते हैं उसमें कंट्रोल करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स आर द केमिकल सीक्रेटेड बाय अवर बॉडी एंड रिएक्ट विद फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन एज रॉ मटेरियल इन माउथ एंड इंटेस्टाइन। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स भी एक तरह से केमिकल सब्सटेंस ही है जो हमारी बॉडी में डेवलप होता है और हमें फूड है या वाटर एब्जॉर्प्शन या ऑक्सीजन जो भी मटेरियल है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है। अब देखते हैं हमारे आगे के की पॉइंट्स। तो नाइन्थ पॉइंट से हमारा रोल ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री ही देख रहे हैं। तो देखते हैं केमिस्ट्री का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर क्या रोल है। तो देखते हैं विदाउट केमिस्ट्री अवर लाइफ वुड हैव बीन डल, इट हैज हेल्प्ड अस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। बिना केमिस्ट्री के हमारी लाइफ जो है वो एकदम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी एवरी डे जो लाइफ है उसमें हेल्पफुल होती है केमिस्ट्री। द प्रोडक्शन ऑफ बेटर एंड फास्टर क्रॉप्स टू मीट द नीड्स ऑफ सच अ ह्यूज पॉपुलेशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ केमिकल प्रोड्यूस बाय केमिस्ट्री। अब जो प्रोडक्शन होता है हमारे क्रॉप्स का, जिसमें क्या होता है हम डे बाय डे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमने डेवलपमेंट किया है केमिस्ट्री की फील्ड में, हमने नए नए केमिकल बनाए हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जैसे कि हमने पेस्टिसाइड बनाए, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह वगैरह, जिससे हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा है और हमारे जो इंसेक्ट्स है जो डिस्ट्रॉय हो जाती थी हमारी क्रॉप वो भी बचे हैं। ये तो हो गया फील्ड पर। अब देखते हैं इंडस्ट्री में क्या रोल है केमिस्ट्री का। तो पेंट, ड्रग, फाइबर, सोप, टूथपेस्ट, डाइस, प्लास्टिक, इवन फ्यूल्स, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन, वैक्स, परफीन, रबर, एसिड, अल्कलीस, मेटल, एलोए आर द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे हमारी इंडस्ट्री में जो बनते हैं, जैसे कि पेंट है, ड्रग्स है, फाइबर, सोप, जो हमारी डेली लाइफ के जो नीड्स है उनको फुलफिल करता है, तो ये केमिस्ट्री अगर नहीं होती तो ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल नहीं हो पाती। तो इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा या डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है केमिस्ट्री का। अब मेडिसिन में देख लेते हैं, तो मेडिसिन में पेंसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेन किलर है, वेरियस अदर एंटीबायोटिक आर यूज टू किल जर्म्स एंड क्योर डिजीज। बिल्डिंग एंड डेली लाइफ, बिल्डिंग मटेरियल आइटम्स ऑफ डेली यूज लाइक इंक, पेन, ग्लास, शुगर, कॉमन सॉल्ट, पेपर एक्सेट्रा। मेडिसिन की फील्ड में भी केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ डिजीज़ हो जाती है जिसमें हम टेबलेट्स वगैरह देते हैं, तो वो सारी टेबलेट्स भी केमिस्ट्री के अंडर ही आती है। और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी हमें काम यूज़फुल होते हैं केमिस्ट्री, जैसे सीमेंट हो गया, ग्लास, शुगर, कॉमन सॉल्ट, पेपर, ये सारे इस फील्ड में भी हमारे उसमें यूज़फुल होती है केमिस्ट्री। अब देखते हैं 10th पॉइंट जो कि है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल विच मेंटेन द टेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम एंड डू नॉट लेट द फूड डिग्रेड टू प्रोड्यूस ऑब्नॉक्शियस अनप्लीजेंट स्मेल। एग्जाम्पल शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड आइटम को लंबे समय के लिए क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। जैसे कि शुगर, हमारा हम देखते हैं कि जो अचार वगैरह हम बनाते हैं उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, लंबे समय तक चलता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्लियर? अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो दो एग्जाम्पल देने हैं हर एक चीज़ के। तो सबसे पहले पूछा है फूड प्रिजर्वेटिव, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो फूड को प्रिजर्व करता है या प्रोटेक्ट करता है। तो कॉमन साल्ट हो गया, अभी जैसे बताया, सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, शुगर एक्सेट्रा। फ्यूल की बात करें कि फ्यूल के कौन से एग्जाम्पल है, तो हमारे LPG हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया। फंजीसाइड की बात करें तो फंजीसाइड के दो एग्जाम्पल हो जाएंगे, सल्फर और ड्यूरोडेक्स मिक्सर। मेडिसिन की बात करें तो पेन किलर हो गया, पेंसिलिन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया एक्सेट्रा। बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो सीमेंट, स्टील, ग्लास ये हो गए। केमिकल बार वेपन हो गया, तो केमिकल बार वेपन में TNT और RDX हो जाएगा, RDX जो बारूद होती है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, व्हाट गिव शॉर्ट आंसर। शॉर्ट में हमें आंसर देखना है। पहले नंबर पर पूछा है व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे शॉर्ट में अगर समझे तो साइंस इज द सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल नेचर थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन फॉर देयर ओन यूज। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक तरीके से ह्यूमन बींग्स का या नेचर का स्टडी करना, यही क्या है हमारी साइंस है। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर के फिजिकल, केमिकल और उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट उस पर सी नंबर पर पूछा है फ्यूल्स की डेफिनेशन। तो द सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फ्यूल्स। केमिस्ट्री इज वेरी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स बाय प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक्स। तो केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल है जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन बींग्स है उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना, यानी कि अगर डिसीज हो गए तो उसके लिए टेबलेट वगैरह हम कौन सी ब्रांच से बनाते हैं, तो केमिस्ट्री ही। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। ई नंबर पर हमसे पूछा है व्हाट इज एल्केमी। एल्केमी क्या होता है? तो देखते हैं, द वर्ड एल्केमी हैज इज ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड केमिया मीन्स आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग। जो एल्केमी वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। उसको ग्रीक में बोलते हैं केमिया। केमिया का मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना मेटल का। इट वॉज पार्टली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड पार्टली ऑन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और ये किस पे बेस्ड है? हमारे एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड है। हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद एफ नंबर पर पूछा हमसे व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट डिड अल्केमिस्ट डू। अब ये बताना हमें कि जो अल्केमिस्ट है उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखते हैं, अल्केमिस्ट कंसिडर टू बी अर्ली केमिस्ट। अल्केमिस्ट को क्या, पुराने जमाने के केमिस्ट थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखते हैं कौन सा था। दे यूज्ड ऑल जनरल टेक्निक ऑफ केमिस्ट्री इन हीलिंग ह्यूमंस।
their contribution proved valuable to the society and in the advancement of civilization. They had contributed to an incredible number of future uses of chemical, metal, ink, paint, cosmetic, medicine, porcelain, etc. जो आर्कमिड्स थे उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है केमिस्ट्री की फील्ड में. उन्होंने ही सबसे पहले हमें एक इम्पोर्टेंस बताई केमिस्ट्री की, उसके केमिकल्स के बारे में इम्पोर्टेंस बताई या मेटल्स के बारे में, इंक, पेंट, इन सब के बारे में इम्पोर्टेंस अगर सबसे पहले किसी ने बताई तो वो आर्कमिस्ट्री ही थे. जी नंबर पे व्हाट इज फिलोसोफर स्टोन, पूछा है हमसे कि फिलोसोफर स्टोन्स क्या है, तो देखते हैं. द गोल ऑफ अल्केमी वॉज टू फाइंड अ मिथिकल एंड मेडिकल सब्सटेंस कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन. जो अल्केमी थे यानी कि जो आर्कमिस्ट थे, उन्होंने एक मेडिकल सब्सटेंस को ढूंढा था जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, फिलोसोफर स्टोन. नॉट अ लिटल स्टोन बट बैग्स, ना ही वो एक स्टोन था जब और ना ही क्या था वो बैग्स. लिक्विड और पाउडर विथ मेडिकल पाउडर विच ऑन हीटिंग विथ अ बेस आयरन एंड कॉपर मेटल वुड टर्न इनटू गोल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल विच वुड ब्रिंग वेल्थ हेल्थ एंड इमोर्टेलिटी. और उसको जब बर्न किया तो वो क्या हो गए, उसी से अलग अलग फॉर्म निकले, जैसे कि वहां से आयरन भी निकला, उसमें से कॉपर निकला और गोल्ड के भी फॉर्म निकले और वो प्योरेस्ट फॉर्म में निकले. तो यही था एक फिलोसोफर्स स्टोन, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा कहीं से माइनिंग करके ऐसा कुछ निकाला मटेरियल और जब उसको बर्न किया तो उसमें तीन तरह के प्रोडक्ट निकले, जिसमें कॉपर हो गया, आयरन हो गया और गोल्ड हो गया. एच नंबर पे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्केमी एंड केमिस्ट्री. अब अल्केमी और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है, तो देखते हैं हमारा क्या है. अल्केमी वॉज बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल. अल्केमी जो है वो दोनों तरीके से है, यानी कि हम उसमें विश्वास भी रखते हैं और वो साइंटिफिक प्रूफ भी हुआ है. अल्केमिस्ट नेवर सेपरेटेड देम, इट आल्सो लैक्ड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर इट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस. एग्जांपल, देयर वॉज नो स्टैंडर्डाइज्ड साइंटिफिक प्रैक्टिस. केमिस्ट्री वॉज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम एंशियंट ट्रेडिशनल अल्केमी. स्टिल मॉडर्न केमिस्ट्री इन जनरल ओव्स अ ग्रेट डील टू अल्केमी. एलॉयस आर फाउंड बाय मिक्सिंग मेटल विद अदर मेटल एंड सब्सटेंस. अगर हम अल्केमी की बात करें तो उसमें क्या था, एक तरीके से वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, आयरन या फिर बात करें तो गोल्ड की. लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हमारे नए सब्सटेंस आ गए एलॉय, जो दो मेटल्स के मिक्सिंग से बने होते. तो बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या है, अल्केमी जो है वो प्योरेस्ट सब्सटेंस थे और जो केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें एलॉय थे, यानी कि मिक्सर ऑफ टू मेटल्स थे. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि आई, पूछा हमसे नेम द केमिकल्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. ऐसे केमिकल के नाम लिखने हैं जो हेल्प करते हैं फूड प्रोडक्शन में, तो वो होते हैं फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर में जो भी आते हैं उनके नाम लिख देंगे, जैसे कि यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटास, एमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा. ये सब क्या होते हैं, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. जे नंबर पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है. जे पे पूछा है नेम सिक्स सच प्रोडक्ट विच वी यूज डेली. ऐसे छह प्रोडक्ट के नाम बताने जिनको हम डेली यूज करते हैं, तो वो हो जाएंगे सोप हो गया, पेंट हो गया, पेन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया और पोर्टेबल वेटर हो गया. के नंबर पे पूछा है हमसे हाउ इज द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट टू मैनकाइंड. अब हमसे पूछा है कि केमिस्ट्री का नॉलेज क्यों जरूरी है इंसानों के लिए, तो समझते हैं. केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस विथ things of daily use like toothpaste, soap, detergent, paints, clothes, medicine, fertilizer, pesticide, plastics in preparing fuels. Consumer products like glass, paper, pencil, pens and substance used in defense like gunpowder, TNT etc. तो जैसे हम आगे हमारा हो गया modern time आया या chemistry का जैसे हमें knowledge gain हुआ, तो chemistry ने हमारी life में एक important role play किया. उसने हमें बहुत सारी चीजें provide की जिससे हमारी life easy और comfortable हो गई, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग फील्ड. केमिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है इन सारी फील्ड में, तो देखते हैं. पहले नंबर पे दी हुई है इंडस्ट्री, दूसरे पे क्लोथिंग, फिर तीसरे पे कॉस्मेटिक, फोर्थ नंबर पे नेशनल डिफेंस और फिर मेडिसिन. तो देखते हैं सबका केमिस्ट्री का क्या रोल है अलग अलग फील्ड में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की. तो नंबर वन इंडस्ट्री, टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटल
पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, एलोय, टेक्सटाइल, फार्मेकुलिटीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कॉस्मेटिक, सिंथेटिक फाइबर एक्सेट्रा। इंडस्ट्री की फील्ड में केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल है। केमिस्ट्री की वजह से हमने प्रोडक्शन करा है मेटल्स का, पेंट का, पेपर का, प्लास्टिक का, एलोय का, टेक्सटाइल का, और भी अलग अलग जैसे सिंथेटिक फाइबर हो गए, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। अब बात करते हैं क्लोथिंग की फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो देखते हैं। केमिस्ट्री इज वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर क्लोथिंग फॉर अस, क्लोज गार्ड ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, क्योंकि वहां पर केमिस्ट्री की ही फील्ड से यूज करके हम वहां पर क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमें बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोथिंग बिगिंस विद द नॉलेज ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ फाइबर्स इनटू फैब्रिक्स, और जो क्लोथ है उनको बनने की शुरुआत तब हुई जब हमने कन्वर्जन सीख लिया फाइबर्स का फैब्रिक की फॉर्म में। फाइबर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी और सिंथेटिक। जो नेचर से प्रोवाइड हो वो नेचुरल, और जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल या निकालते हैं वो हो जाएंगे सिंथेटिक। अर्लियर ओनली नेचुरल फाइबर्स वेयर नोन टू मैन सच एज कॉटन, पुराने जमाने में हम सिर्फ नेचुरल फाइबर के बारे में ही जानते थे, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट, सिल्क, वुल एक्सेट्रा। विच वेयर यूज टू प्रोड्यूस ड्रेस मटेरियल, साड़ी, बैग, स्वेटर, सोल, और ये जो हमारे नेचुरल फाइबर्स थे इसी का यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे कि साड़ी हो गए, बैग, स्वेटर, साल एक्सेट्रा। विथ मोर डेवलपमेंट सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो मेड सच नायलॉन, टायलॉन एक्सेट्रा। जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ तो हमने एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि नायलॉन या फिर टायलॉन। दीज फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग है और लंबे समय के लिए वो चलते भी हैं। दे आर यूज टू मेक टॉवल्स, बेड शीट, बैग, कर्टेन्स, कारपेट, ब्लैंकेट, ड्रेस मटेरियल एक्सेट्रा, और ये फाइबर्स का हम यूज करते हैं टॉवल बनाने में, बेड शीट बनाने में, बैग बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, कारपेट बनाने में एक्सेट्रा। अब देखते हैं केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कॉस्मेटिक की फील्ड में, तो देखते हैं। द यूज ऑफ टैलकम पाउडर, स्किन केयर क्रीम्स, लिपस्टिक, आईज एंड फेशियल मेकअप, डिओडोरेंट्स, लोटिंस, परफ्यूम, बाथिंग ऑयल, बॉडी बटर, बॉडी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू यूजेबल कॉस्मेटिक ड्यू टू नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ये दिल जैसे हमें केमिस्ट्री का नॉलेज हुआ तो हमने ये सारे, जैसे कि स्किन केयर क्रीम हो गया, लिपस्टिक हो गया, आई एंड फेशियल मेकअप के जो प्रोडक्ट है वो सारे हमने बनाए, जो हमारे कॉस्मेटिक की फील्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से एक केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कॉस्मेटिक के फील्ड में भी। अब देखते हैं नेशनल डिफेंस में किस तरह से केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करते हैं। तो सब्सटेंस लाइक गन पाउडर, फोजिन, केमिकल वेपन्स, लाफिंग गैस, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री विच कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डिफेंस। अब नेशनल डिफेंस के फील्ड में भी केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री के डेवलपमेंट या केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ साथ हमें गन पाउडर, TNT, फोजिन, केमिकल वेपन या लाफिंग गैस, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं हमें केमिस्ट्री के नॉलेज के साथ ही हमने बनाए हैं। मेडिसिन की फील्ड में देखें केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है केमिस्ट्री ने, उससे हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है। जैसे कि ड्रग्स हेल्प इन फाइटिंग डिसीज, जो ड्रग्स या एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है, डिसीज जो होती है उसमें हमें रिकवर करने में हेल्प करती है उस डिसीज के अगेंस्ट। और जैसे कि हमने टेबलेट्स बनाई है, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, ये सारे उसी के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि है, हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाई। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है और क्यों है, तो समझते हैं। रॉबर्ट विलियम बॉयल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो वो है रॉबर्ट विलियम बॉयल। ही वॉज एन एंजलो आयरिश साइंटिस्ट, और वो कहाँ के थे, आयरलैंड के थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड पब्लिश हिज रिसर्च विथ एलोबरेट डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर, एप्लीकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट बॉयल पुट केमिस्ट्री ऑन अ फर्म साइंटिफिक फुटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम एल्केमी इनटू वन बेस्ड ऑन मेजरमेंट, ही डिफाइंड एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। अब जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट विलियम बॉयल,
उन्होंने ही सबसे पहले केमिस्ट्री की फील्ड में वो आए और उसी के प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने काम करा, उनके अपरेटस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने काम किया। और वही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया था एलिमेंट को, कंपाउंड को, मिक्सर को, कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है या मिक्सर क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फॉलोइंग। अब उन साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं जिन्होंने इन सारे सब्सटेंस को डिस्कवर किया है। तो पहले नंबर पे एटम, तो एटम को डिस्कवर किया जॉन डाल्टन ने, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट है। ही प्रूव दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल कॉल्ड एटम फॉर द प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी व्हिच वाज लेटर कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया कि जो हमारा मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्ट से बना है और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। और बाद में ये थ्योरी उनकी सक्सेसफुल भी हुई और इसी थ्योरी को बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया, तो ऑक्सीजन को किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। सी नंबर पे सेफ्टी लैम्प को डिस्कवर किया था सर हम्फ्री डेवी ने। अब डी पॉइंट पे एलिमेंट, तो एलिमेंट को डिस्कवर किया था एंटोनी लोविजर ने, जो कि एक फ्रेंच नोबलमैन थे। फिर सिविलाइज्ड केमिस्ट्री, लेवोजियर नेम द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड डिस्कवर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबस्शन एंड रेस्पिरेशन फॉर विच ही इज मोस्ट नोटेड। ही एस्टैब्लिश्ड बार्टेस कंपाउंड एंड हेल्प टू कंटिन्यू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द क्वालिटेटिव साइंस टू अ क्वांटिटेटिव वन। तो एंटोनी लेवोजियर ने ही सबसे पहले बताया था कि ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, या ऑक्सीजन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन में और कंबस्शन में। अगर बोले एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया, तो एंटोनी लेविजर ने। अब देखते हैं कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, ब्लैंक डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर की स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। फर्टिलाइजर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ फूड कौन इंक्रीज करता है, तो फर्टिलाइजर करता है। फूड आइटम लाइक जैम एंड पिकल्स आर प्रोटेक्टेड बाय, फूड आइटम जो है जैसे हमारे पिकल्स हो गए, जैम्स हो गए, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स में किसके एग्जांपल हो जाएंगे, साल्ट और शुगर। डी नंबर पे एलपीजी यूज्ड फॉर, एलपीजी क्या करता है, वर्न होके हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो एक तरह से क्या है, फ्यूल है। इनर्ट गैस वेयर डिस्कवर्ड बाय, अब पूछा हमसे कि इनर्ट गैस को किसने डिस्कवर किया, तो इनर्ट गैस को डिस्कवर किया था विलियम रैमसे ने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए वाला और उसका आंसर लिखेंगे बी साइड पर। तो सबसे पहले पूछा उन्होंने हमसे क्लोथिंग, कपड़े किससे बनते हैं हमारे, तो नायलोन और बुल से। दूसरे नंबर पे पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरा भरा किससे रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चर से। बिल्डिंग मटेरियल कौन से है, तो मोर्टार और सीमेंट। कमोडिटीज ऑफ डेली यूज, डेली यूज में हम क्या लाते हैं, तो हमारे कॉस्मेटिक आइटम और टूथपेस्ट। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशनल इकोनॉमी, क्या केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल इकोनॉमी में। बिल्कुल, क्योंकि उससे फर्टिलाइजर बनते हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और क्रॉप से इकोनॉमी डिपेंड करती है। बी क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, क्या एंटीबायोटिक्स को हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। DTT is an important fertilizer, क्या DTT एक fertilizer है, नहीं है, वो तो क्या है हमारा, pesticide। Gunpowder is an anticide, नहीं, gunpowder क्या हमारा pesticide है, नहीं, वो क्या है हमारा, एक जो हमारा defense system में काम आता है, वो हमारा एक pesticide नहीं है। Enzymes secreted by our bodies are chemical, जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, तो हाँ बिल्कुल वो केमिकल्स होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं। ट्राई नाइट्रो टेल्यून इज यूज्ड एज, ट्राई नाइट्रो टेल्यून का यूज कहाँ पर करते हैं हम, तो एक्सप्लोसिव में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड, इसमें से कौन सा एक पेस्टिसाइड है, तो वो है एल्ड्रीन। शुगर और गन पाउडर और बेंजोइक एसिड पेस्टिसाइड नहीं है। मोर्टार इज यूज्ड एज, मोर्टार का कहाँ यूज करते हैं हम, तो बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं। यूज्ड इन एन इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा किसका यूज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फर्टिलाइजर का। ई क्वेश्चन है,
द केमिकल प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर इज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज आर कॉल्ड। जो भी डिसीज से लड़ने के लिए हमें ट्रीटमेंट करता है, जो भी हमें देते हैं जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें क्या करना है, वापिस मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। तो देखते हैं मैरी क्यूरी क्या है, तो उनको नोबल प्राइज बिना रहे वो दो बार की। जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, तो एटॉमिक थ्योरी। विलियम रैमसेम ने किसको डिस्कवर किया था, हीलियम। और सर हेनरी डेवी ने किसको डिस्कवर किया था, तो सेफ्टी लैम्प को। अब इसी चैप्टर के कुछ हमारे एडिशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, स्टेट व्हाट इज साइंस गिव द बेसिक बायफर्केशन ऑफ साइंस विद रिलीजन। हमें साइंस को डिफाइन करना है और उसका फिर एक क्लियर स्टेटमेंट भी देना है या फिर बायफर्केशन भी बताना है। तो साइंस इज द सब्जेक्ट विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय साइंटिस्ट विद ऑल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड एंड इन्फेरेंस कंक्लूड। साइंस क्या है, तो साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लियर। बायफर्केशन क्या है, तो साइंस इज bifurcated into three main branches. Science जो है वो तीन part में divide है, physics, chemistry और biology. और देखते हैं question number 2. Give the basic difference between inorganic chemistry and organic chemistry. Organic chemistry और inorganic chemistry में क्या basic difference है, तो उसको समझते हैं। Inorganic chemistry include study of inalienable elements and compounds. जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स में हो जाएंगे हमारे कुछ मेटल्स भी हो जाएंगे, कुछ नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। गैसेस में बात कर लें तो SO2, CO2, नाइट्रोजन। एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड्स आते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन और एसिड इंक्लूड एसिडिक एसिड, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ग्लास एपरेटस। यहाँ पे हमें इनके फंक्शन लिखने हैं कि ग्लास टेस्ट ट्यूब का क्या फंक्शन है। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे ग्लास टेस्ट ट्यूब ही है, तो देखते हैं इसको कि ग्लास टेस्ट ट्यूब का क्या एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ग्लास टेस्ट ट्यूब, इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग केमिकल एंड स्टडिंग रिएक्शन केमिकल सॉल्यूशन। इसका यूज करते हैं हम केमिकल को हीट करने में और फिर बाद में देखते हैं कि कौन सा केमिकल ने रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया है। सेकंड पे है हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब। हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो इट इज रेसिस्टेंस टू केमिकल एंड यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, इट इज मेड ऑफ फायरिक्स। ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस को एक तरह से रेसिस्टेंट का काम करता है, यानी कि कुछ रिएक्शनों को नहीं होने देता है और एक स्पेशल पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और यह किससे बना हुआ होता है, फायरिक्स से। बीकर, तो बीकर क्या है, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग पोरिंग एंड मिक्सिंग सॉल्यूशन। बीकर एक तरीके से हमारा बकेट की तरह काम करता है जिसमें हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या उसमें होल्ड करते हैं। फोर्थ है राउंड बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क का यूज क्या है, तो इन प्रिपरेशन ऑफ गैसेस, गैस के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। वेयर हीटिंग इज रिक्वायर्ड, जहां पे हीट की जरूरत रहती है वहां यूज करते हैं। सिंस द फ्लास्क राउंड बॉटम हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑन हीटिंग। क्योंकि ये राउंड शेप में होता है तो जो हीट होती है बॉटम से हम देते हैं और पूरे उस बकेट में या उस पूरे फ्लास्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली। अब है नेक्स्ट पॉइंट जो है रिटॉर्ट। तो रिटॉर्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट विच इंक्लूड डिस्टिलेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के डिस्टिलेशन में जो भी हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, समझते हैं क्या है। स्टेट व्हाई अ राउंड बॉटम फ्लास्क इज प्रिफर्ड टू अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ गैसेस इन द लेबोरेटरी। अब ये हमें बताना है कि राउंड बॉटम फ्लास्क का क्यों हम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है उसमें जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑल ओवर उसके। जबकि अगर फ्लैट बॉटम फ्लास्क हम यूज करेंगे तो उसका जो बॉटम सरफेस है वही सबसे पहले हीटअप होगा और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये एक उसका
मेन रीजन हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि स्टेट फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा इनके फंक्शन लिखने। नंबर वन, द बोडल हैंडल एट द एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब जो हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है उसका एक जो लास्ट एंड होता है वो वुडन का क्यों होता है, तो समझते हैं। द वुडन हैंडल एट द एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेक्स होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब होल्डर इजी। जो हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है उसका जो एंड होता है, वन साइड एंड जो होता है, वो वुडन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो वुड है वो इस तरह का वुड यूज किया गया है जो कि एक बैड कंडक्टर है हीट का, जिसको हम होल्ड कर सकते हैं इजीली। सेकेंड क्वेश्चन है, द एस्बेस्टस फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर गेज। जो एस्बेस्टस होता है उसको हम वायर गेज के सेंटर में ही क्यों फिक्स करते हैं, तो देखते हैं। द एस्बेस्टस फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ वायर गेज इनिशिएट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू द बॉटम ऑफ द एपरेटस, इट आल्सो प्रिवेंट ग्लास एपरेटस फ्रॉम क्रैकिंग। जो एस्बेस्टस होता है उसको सेंटर में हम इसलिए फिक्स करते हैं ताकि वो हीट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे और दूसरे नंबर पर ग्लास को क्रैक करने से भी बचा ले। थर्ड क्वेश्चन है, द क्लैंप माउंटेड ऑन द रोड ऑफ अ रिटोर्ड स्टैंड। जो क्लैंप होती है वो माउंटेन शेप में क्यों होती है रिटोर्ड स्टैंड के ऊपर, तो देखते हैं। द क्लैंप माउंटेड ऑन द रोड ऑफ अ रिटोर्ड स्टैंड हेल्प इन होल्डिंग द एपरेटस एंड एडजस्टिंग इट्स लेवल अपर और डाउनवर्ड। उसके एकदम टॉप पर वो इसलिए होती है ताकि हम क्या कर सके, उसके लेवल को मेंटेन कर सके और उसको आसानी से एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर रेगुलर इन अ वेंसन बर्नर। जो वेंसन बर्नर उसमें एयर को रेगुलर ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर क्यों होता है, तो देख लेते हैं। द एयर रेगुलेटर हैज होल्स एंड इट इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द फ्लेम। जो एयर रेगुलेटर होता है उसमें होल्स इसलिए होते हैं ताकि हम जो फ्लेम है, जो धुआं है, उसको रेगुलेट कर सके। अगर वहाँ पे उसका लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको हम खोल कर कम कर सके। नेक्स्ट है, द टेप एट द बेस ऑफ ब्यूरेट। जो ब्यूरेट होता है उसके बेस पर एक टेप क्यों बना हुआ था, तो वो देख लेते हैं। द टेप एट द बेस ऑफ द ब्यूरेट हेल्प इन रिमूविंग द मेजर्ड लिक्विड ड्रॉप वाइज। वो टेप जो होता है वो उसके बेस में इसलिए होता है ताकि जो लिक्विड है उसको हम ड्रॉप ड्रॉप करके वहाँ से रिमूव कर सके। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा है, स्टेट द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द फॉलोइंग गैसेस। अब हमें बताना है कुछ मेथड जिससे हम इन सारी गैसेस को कलेक्ट कर सके। तो नंबर वन पर है ऑक्सीजन। द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग ऑक्सीजन गैस इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ऐसी मेथड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे पूछा है हमसे अमोनिया, आ हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड लाइटर देन एयर। अमोनिया गैस को कैसे कलेक्ट करेंगे, जो कि वाटर में तो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है और एयर में सोल्यूबल नहीं है, तो उसके लिए है, द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग अमोनिया गैस इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। जबकि ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए डाउन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर थी, वही अमोनिया को कलेक्ट करने के लिए कौन सी मेथड है, डाउन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट पे पूछा हमसे सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस है, हाईली सोल्यूबल है वाटर में और हैवियर है एयर में, तो उसको हम किससे करेंगे, तो उसको हम करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को कलेक्ट विथ द मेथड ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। यानी कि यहाँ पे हम एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेंगे जिससे क्या हो जाएगी, हमारी सल्फर डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर की फील्ड में केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंट रोल है और किस तरीके से वो काम करता है, तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर इज नंबर वन पे फर्टिलाइजर। अगर केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता तो हम फर्टिलाइजर नहीं बना पाते, और फर्टिलाइजर अगर नहीं बना पाते तो हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कमी होता। दूसरे नंबर पे पेस्टिसाइड, अगर हम पेस्टिसाइड केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता तो पेस्टिसाइड भी नहीं बना पाते, जिससे हम इंसेक्ट को, वीड्स को या फंजाई को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते और यहाँ पर भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता। क्लियर। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का रोल प्रोडक्शन में, ये तो हो गया एग्रीकल्चर में, अब देखते हैं प्रोडक्शन में।
तो प्रोडक्शन में किस तरीके से केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नंबर वन फूड, रिफाइंड ऑयल, बटर, चीज एक्सेट्रा ऑब्टेन थ्रू केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट जो हमारे फूड प्रोडक्ट है जैसे कि हो गया बटर, चीज, ये भी हमारे लंबे समय के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज है, तभी हम उनको लंबे समय के लिए हम उसको सेफ या सुरक्षित रख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या केमिस्ट्री का रोल है, जैसे कि मोर्टार, सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा, ये सब भी हमें केमिस्ट्री का नॉलेज हुआ तभी हम बना पाए हैं। तो ये थे हमारे यूज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हमसे। अल्केमिस्ट आर ओल्डर वर्ड्स ऑफ केमिस्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट इन ब्रीफ। जो अल्केमिस्ट है वो एक पुराना वर्ड है केमिस्ट का, तो इसका स्टेटमेंट हमें बताना है कि क्या है वो। Alchemy and alchemist are older words for chemistry and chemist, where alchemist transfer or create substance through a seemingly magical process, and alchemist Nicholas Flamel claimed to transform metals into gold. Alchemy और alchemist जो है वो पुराने words हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था कि metals को, जो हम एक सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, philosopher's stone उठाया था और फिर उसमें से क्या करा था, इसको heat जब provide करी थी तो अलग अलग तरह के substance हमें देखने को मिले थे, जिसमें से एक को हमने ट्रांसफर किया था मेटल से गोल्ड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है। इन द मेडिवल एजेस फिलोसोफर स्टोन वाज कनेक्टेड विद ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन। जो मेडिवल एज है उसमें फिलोसोफर स्टोन जो है वो कनेक्ट हो गया है सभी चीजों से, उसको हमें डिफाइन करना है। तो देखते हैं, इन द मेडिवल एजेस टू द 17th सेंचुरी द सो कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन। जो मेडिवल एज है या 17th सेंचुरी को हम क्या भी बोलते हैं, फिलोसोफर स्टोन भी बोलते हैं। हेल्ड प्रियोरिटी एंड अल्केमिस्ट वेयर सक्सेसफुल टू सर्टेन एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस विच हेल्ड लेटर केमिस्ट टू एक्सट्रैक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस विच हेल्ड लेटर केमिस्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल एंड डेवलप। जो उस समय जो फिलोसोफर स्टोन को जो डिस्कवर किया था वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री को समझने में या केमिस्ट्री के डेवलपमेंट को, क्योंकि केमिस्ट्री के डेवलपमेंट से क्या हुआ था, उस फिलोसोफर स्टोन से हमने अलग अलग तरह के सब्सटेंस को या मेटल्स को बनाया था, क्योंकि हमने उसको हीटअप किया था तो उससे हमारा आयरन या गोल्ड जो है वो हमें मिला था। तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो, या कनेक्ट करता है हमारे ओल्ड पीरियड को, मेडिवल पीरियड को और मॉडर्न पीरियड को केमिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या है। स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पर कुछ नेम दिए हैं, इनके कंट्रीब्यूशन बताना कि केमिस्ट्री के फील्ड में इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले दिया है डिमिट्री मेंडलीव। तो मेंडलीव का क्या एक कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री के फील्ड में, तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी है एलिमेंट्स की, उसने सिस्टमेटिकली अरेंज किया है एटोमिक वेट, एटोमिक नंबर के हिसाब से। He devised the periodic table. He was best known for his discovery of the periodic law. और इन्होंने ही सबसे अच्छा एक जो periodic table उसको discover किया है, एक systematic तरीके से हमें arrange करके दिया है। अब बात करते हैं Antoine Lavoisier का क्या important role है chemistry की field में। तो he recognized and named oxygen in 1778 and later hydrogen in 1783. 1778 और बाद में 1783 में इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नेम को बताया है हमें। सेकंड, ही आल्सो रोट द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले इन्होंने कुछ एलिमेंट को हमें नोमेनक्लेचर दिया था कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इन 1774 ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द फिनोमेना ऑफ कंबशन, और फिर बाद में 1774 में इन्होंने जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या कंबशन है उसको हमें डिफाइन किया था। अब बात करते हैं जॉन डाल्टन का क्या इम्पोर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। तो ही कंपाइल्ड हिज थ्योरी इन 1804 नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी 1803 में। द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम। और उनकी जो थ्योरी थी उसका मेन पोस्टुलेट ये था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। और एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे उन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है द थ्योरी वाज लेटर कंट्राडिक्ट इन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और बाद में जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो रिलेट करती है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का पहला पार्ट।
इसका सेकंड पार्ट ही हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।